शासन प्रशासन के निर्देशानुसार 60 प्लस एवं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना रोधी तीसरी बूस्टर सोमवार से लगाना प्रारंभ हो गया है, जिसमें निगम भिलाई द्वारा 15 स्थानों पर उचित व्यवस्था बनाई गई है। नगरपालिका निगम भिलाई के द्वारा शासन के आदेश पर कोरोना रोधी तीसरे बूस्टर लगाने हेतु निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। इन 15 स्थानों में से एक लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय भी है, जहां 60 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना रोधी तृतीय बूस्टर लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस स्थान पर चिकित्सा विभाग से ताल्लुक रखने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी अपना वैक्सीनेशन कराते नजर आए। बड़े बुजुर्गों के लिए बनाई गई इस व्यवस्था की जानकारी जहां बूस्टर लगा रहे टीम की एक सदस्य ने दी, तो वहीं एक बुजुर्ग माता पिता को तृतीय बूस्टर लगाने आए एक हितग्राही ने भी बेहतर व्यवस्थाओं के मद्देनजर शासन प्रशासन सहित निगम भिलाई की टीम का धन्यवाद किया। साथ ही निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम भिलाई प्रशासन द्वारा तृतीय बूस्टर लगाने हेतु 15 स्थानों पर की गई व्यवस्था की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। अभी हमको कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश हुआ था कि 10 तारीख से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह हैं उनको बूस्टर डोज लगना है, तो हमने अपने निगम क्षेत्र के लिए पांचों जोनों में सेंटर बनाया हुआ है और एक निगम हेडक्वार्टर में जमा सेंटर बनाया है, जिसमें सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर बारी बारी से आकर के अपना बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। सर, मेरा नाम संध्या पाड़ी है। अच्छा मैडम, यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ विशेष टीकाकरण चल रहा है, क्या टीकाकरण है और कितने वर्ष के उम्र वालों का चल रहा है? सर, आज यहाँ प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज कह सकते हैं, थर्ड डोज लग रहा है 60 प्लस वालों को लग रहा है, और जिनका 10 अप्रैल से पहले सेकेंड डोज हो गया है उनको लग रहा है आज। आज यहाँ शुरुआत की गई है जी सर, मेडिकल जो मेडिकल फील्ड वाले हैं, FLW है, HCW है, उनके लिए, मतलब फ्रंट लाइन वॉरियर्स को बोल सकते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर जी, मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड है, और जिनका 60 प्लस जो है मैडम, जैसा कि अभी यहाँ शुरू किया गया है, बाकी जगहों पर पहला दूसरा डोज की व्यवस्था की गई है, तो बूस्टर डोज कब ऐसे पब्लिकली कैंप लगा के किया जाएगा? सर, उसमें कम से कम 15 दिन से करीब का टाइम लगेगा। वैसे तो सर, जिनका भी 60 प्लस जो है, जैसे जिनका हो गया है, हम कह सकते हैं सेकेंड डोज को 9 मंथ जिनका कम्प्लीट हो गया है, उनको अवेलेबल होने लगेगा उनका डिटेल, तो उनको लग जाएगा, एलिजिबल है, लग जाएगा। इंद्रजीत सिंह सैनी। सैनी जी, बताएंगे आज यहाँ पर आप 60 प्लस वालों का हो रहा है, आप तो 60 प्लस नहीं है, कैसे आए? मैं मदर और फादर को लेकर यहाँ आया था, ये बूस्टर डोज का हमको एक मैसेज आया था करके, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो राज्य शासन की ओर से बहुत बड़ी सुविधा बना के यहाँ रखे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के CM की ओर से बहुत अच्छा प्रयास है, यहाँ पे कहीं भी एक मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के अंदर हम लोग वैक्सीन लगा के यहाँ से निकल ही रहे हैं बस। जैसा कि पिछला वक्त इतना ख़राब बीता है, क्या अपील करना चाहेंगे आम जनमानस से? सर, मेरे भी दोनों डोज पहली लग चुकी हैं, मैं तो जिन्होंने अभी तक एक डोज नहीं लगाई है उनको बिल्कुल मतलब बहुत इसका बेनिफिट है। हमको फर्स्ट टाइम में, मेरे को एक बार कोरोना हुआ था, फिर मैंने उसके बाद 2 महीने बाद डोज लगवाया, उसके बाद बहुत ख़राब माहौल रहा लेकिन हम बिल्कुल सेफ रहे। जिन मेरे भाइयों ने बहनों ने डोज नहीं लगवाई है, प्लीज़ उनको डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी आके डोज लगवाएं, और जो सीनियर सिटीजन है उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि जो उनका ये बूस्टर डोज है उसको जल्दी से जल्दी लगाएं। कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर ओमिक्रॉन को देखा जा रहा है, जिससे बचने ये कोरोना रोधी तीसरा बूस्टर काफी मददगार साबित होगा। जिन लोगों को कोरोना रोधी दोनों टीके लग चुके हैं और 9 माह हो चुके हैं, वे तीसरा बूस्टर लगवाकर पूर्णतः सुरक्षित हो सकते हैं, जिसके लिए भिलाई निगम के द्वारा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।